The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So namaskar, adab, sat sri akal. Dosto, coronavirus ke chalte kai logon ko quarantine kiya ja raha hai. Quarantine kahiye. ये क्या चीज है, इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए. हो सकता है आपको या आपके किसी रिश्तेदार को, लव्ड वन को क्वारंटाइन किया जाए या हो रहा हो, तो आपको समझना चाहिए क्यों हो रहा है और ये क्या है. सबसे पहले क्वारंटाइन क्या है. इट्स अ स्टेट और प्लेस ऑफ आइसोलेशन फॉर अ पर्सन और एनिमल हु मे हैव कम इन कॉन्टैक्ट विद अ कंटेजियस डिजीज. अंग्रेजी में डेफिनेशन हो गया. बेसिक चीज है कि अगर आपको कोई कंटेजियस बीमारी, ऐसी बीमारी हो जाती है जो एक इंसान से दूसरे इंसान को हो सकती है, अगर आप हो जाती है या आप ऐसे किसी इंसान के संपर्क में, क्लोज कॉन्टैक्ट में आए हो, आसपास से गुजर गए हो या हो सकता है हाथ मिला लिया, तो आपको फिर क्वारंटाइन यानी कुछ आइसोलेशन में रखा जाता है, अलग रखा जाता है कि आप और लोगों को ना फैला दो. सिंपल. इसका पीरियड कितना होगा, कितने देर का आइसोलेशन होगा, पीरियड होगा. देखो मतलब क्यों करते हैं क्वारंटाइन करते हैं कि जो जिस अगर आप क्वारंटाइन में कर देंगे इन लोगों को, तो इससे जो चांसेस हैं कि वो पर्सन, वो एनिमल दूसरों को ये कर पाए कम हो जाएगा. और ये सिर्फ और सिर्फ बीमार लोगों के लिए नहीं है, राइट. ऐसा नहीं है कि आपको फीवर हो गया, खांसी हो गई तो आपको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा. नहीं, जो हेल्दी भी है वो भी पैथोजन को स्प्रेड कर सकते हैं कैरियर, हेल्दी कैरियर, इंक्यूबेशन पीरियड में, जो कि 7 से 14 दिन है इस कोरोना वायरस के केस में. और दूसरे दूसरे वायरसेस के केस में अलग अलग हो सकता है, बैक्टीरिया के केस में अलग हो सकता है. सो किसी भी प्रकार के क्वारंटाइन सिचुएशन, आइसोलेशन में डिपेंड करता है उसका क्या इंक्यूबेशन पीरियड है. और अगर आप ऐसे किसी संदिग्ध, बहुत ही जोरदार वर्ड बोलना नहीं जम रहा था मुझे तो बोल दे रहा हूँ, सॉरी, जस्ट अ जोक. सो ऐसे आते हैं, ऐसे किसी ट्रैवलर के कॉन्टैक्ट में आते हैं जो ऐसे जगह से आया है जहाँ ये एंडेमिक है या फिर जिस तरह आउटब्रेक हुआ है, तो फिर हो सकता है आपको क्वारंटीन किया जाए. नोवल कोरोना वायरस COVID-19 के पैंडेमिक पूरी दुनिया में फैले जाने के बाद ये क्वारंटीन बढ़ गए हैं और हर जगह हो रहे हैं. यूएस में, इंडिया में, चाइना में तो है, इटली में तो है ही, है कि नहीं. सो जो लोग, बल्कि बेसिक हमारे या गवर्नमेंट या सारी दुनिया के वजह से, CDC की वजह से, ये आप लोगों से रिकमेंडेड है, दरख्वास्त है कि भैया अगर आप खुद को क्वारंटीन करना चाहो तो कर सकते हो 7 से 14 दिन के लिए, अगर आपको लगता है आप किसी ऐसे पेशेंट के कांटेक्ट में आए हो. वरना क्या होगा, मे भी इतनी डेंजरस बीमारी नहीं है, 80-90% चांसेस है आप बच जाओ, आप हेल्दी हो, 40 साल के नीचे वाले किसी को कुछ ना हो, 80 साल, 85 साल, या ऐसे लोग जो एक्चुअली ऑलरेडी बीमारी से जूझ रहे हैं, किसी और बीमारी, लंग डिजीज, लंग कैंसर, COPD, कोई और खतरनाक हार्ट की बीमारी, हार्ट का फंक्शन 20%, या फिर किडनी फेलियर, ऐसे लोग जो ऑलरेडी बहुत बहुत ज़्यादा मौत के पास है, बिल्कुल कुछ ना कुछ हो जाए तो दिक्कत हो जाए, उनको ये कोरोना वायरस आपके थ्रू ना चला जाए, ये आपकी जिम्मेदारी है. इसीलिए क्वारंटीन आपको खुद को भी करना चाहिए अगर आपको लग रहा है कि आपको दिक्कत है. सो आप खुद अगर लग रहा है ऐसा कुछ है तो क्वारंटीन करें, वरना गवर्नमेंट तो कर ही रही है जिसको लग रहा है क्वारंटीन. चाइना में बोला जाता है कि भाई इसके लिए लिटरली एप्लीकेशन बनाए गए हैं. जी हाँ, एप्लीकेशन बनाया गया है कि हर इंसान वो एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा, उसका लोकेशन ट्रैक किया जाएगा, उसको ग्रीन, येलो और रेड लाइट दी जाएगी. रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट. रेड लाइट का मतलब है कि अगर आपकी ग्रीन लाइट है, मतलब आप किसी भी ऐसे पर्सन जिसका फोन में पता हो कि भाई ये एक पर्सन है जिसको इन्फेक्शन हो सकता है, उसके पास नहीं गए, 1 मीटर की, 1-2 मीटर की दूरी के पास गए नहीं हो, तो आप ग्रीन लाइट और जहां मर्जी घूमो पूरी कंट्री में. जी हाँ, क्योंकि वो एक मोबाइल के लोकेशन से ट्रैक कर सकते हैं. उसके बाद येलो लाइट का मतलब होता है कि 7 दिन का क्वारंटाइन अगर आप पास से गुजर गए किसी ऐसे पेशेंट के,
किसी ऐसे पर्सन के 7 दिन का क्वारंटाइन, और अगर आपको सिम्टम आने लग गया या कुछ ऐसा लग रहा है कि बहुत ही पास आ गए, तो 14 दिन का क्वारंटाइन, 7 से 14 दिन क्वारंटाइन। यही चीज इंडिया में हुई, जो लोग चाइना से लेके आए गए उनको 14 दिन के लिए मिनिमम क्वारंटाइन रखा गया। किसी को एक्स्ट्रा भी रखा जा सकता है अगर उसको सिम्टम ज्यादा आ रहे हैं या उसका एक्चुअली टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है COVID-19 का, कोरोना वायरस का। तो क्वारंटाइन का मतलब ये है, राइट? और जो लोग सेल्फ क्वारंटाइन करने लग जाए, सोशल डिस्टेंसिंग करने लग जाए, तो बीमारी फैलने से रुकेगी। तो ये आपका काम है कि आप अपने आप को अगर ऐसे किसी जगहों से बचाएं जहां पर अगर आपको लगता है कि आप एक्सपोज हो गए हो, तो घर में बैठो या फिर ऐसी जगह चले जाओ जहां पर क्वारंटाइन के लिए बनाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से आपके एरिया में, अगर ऐसा आपको लग रहा है। ये क्वारंटाइन पहली बार नहीं हुआ, बहुत बार हो चुका है दुनिया में। कुछ ऐसी और भी बीमारी है, जैसे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे कि अगर मान लो आपको लेप्रसी हो जाए, तो लेप्रसी के लिए भी क्वारंटाइन किया जाता है। पहले जमाने में जो बुबोनिक प्लेग था, ब्लैक डेथ हुआ था, जो बहुत ज़्यादा लोगों को, मतलब बोला जाता है 100-200 मिलियन लोगों को उसने जान ली थी, तब भी क्वारंटाइन जैसी चीज़ हुई थी। लेकिन ये इतना ज़्यादा खतरनाक बीमारी नहीं है। हो सकता है आप में से आधे लोगों को होके ख़त्म भी हो जाए, आपको पता भी ना चले। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, हो सकता है। तो बात इसीलिए ये क्वारंटाइन की एक कोशिश होती है कि भाई आप दूसरों को ना फैला पाओ। बिल्कुल वैसे ही जैसे स्पैनिश फ्लू में हुआ था 1918 में यूएस में, वो H1N1 के वजह से हुआ था, स्वाइन फ्लू, जो कि अब बिल्कुल खासो आम हो गया है, हर बार किसी ना किसी को हो जाता है, उसकी वैक्सीन भी आ गई है, जो फ्लू शॉट आपको लगाना चाहिए, बट देन तब उन्होंने भी बहुत ज़्यादा जाने ली थी। सो यहाँ पर जो मॉडर्न क्वारंटाइन हो रहे हैं, इसका बस एक ही इफेक्टिव, एक ही उद्देश्य है कि आपका जो डिजीज का स्प्रेड है उसको रोके, नॉट बिकॉज कि ये सबको मार देगी, बट बिकॉज ये कुछ ऐसे लोगों के पास ना पहुंच पाए जो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। और जो ऐसे हैं, जो वल्नरेबल हैं, जिनको ऑलरेडी कोई क्रोनिक बीमारी है, बेसिक चीज है, क्रोनिक बीमारी, जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हो गया, या कोई किडनी डिजीज हो गया, या लिवर डिजीज हो गया, या कैंसर हो गया, या कोई भी ऐसी अनकंट्रोल बीमारी जिसके वजह से आपको दिक्कत होती रहती है, अस्पताल में भर्ती होती है, तो आपको काम है अपने डॉक्टर से कांटेक्ट में रहना, उससे पूछते रहना कि भाई मुझे क्या करना है। क्योंकि हमारा काम है, डॉक्टरों का काम है कि आपको ऐसी किसी डेंजरस एपिसोड से, कि आप कहीं सार्स जैसी, ये जो बीमारी है, ये सार्स COV2 है, सार्स का अच्छा खासा डेथ रेट था, सार्स का डेथ रेट 10-15% था, मर्ज का डेथ रेट 30% था, इसका डेथ रेट मात्र 2% है, वो भी कंफर्म्ड केसेस को देखने के बाद 3% हो जाएगा, अनकंफर्म जितने केसेस होंगे दुनिया में उसको देखेंगे तो 1% से कम इसका डेथ रेट होगा, बार बार बता चुका हूं। तो डरने वाली बात नहीं है, कोई दुनिया बंद नहीं होने वाली, ठीक है, बिकॉज अभी फिलहाल जो प्रोपोगेंडा हो रहा है दुनिया के वजह से, जो लोगों के वजह से, न्यूज चैनल के वजह से, उस वजह से जो कोहराम मचा हुआ है दुनिया में, सो आप समझ सकते हैं कि क्वारंटाइन एक एफर्ट है ये पब्लिक को बचाने का, पब्लिक को तंग करने की कोई साजिश नहीं है ये आपको। और देखो, 1% बहुत बड़ा नंबर नहीं होता है कि भाई 1% लोगों को, 1% चांस है कि आपको कुछ हो जाएगा, लेकिन 1 करोड़ लोगों का 1% कितना होता है, उतने लोगों की जाने जा सकती है। अगर ये पूरी इंडिया में, पूरी दुनिया में फैल गया तो 1 करोड़ तो फिर भी कम है, हमारे तो कितने करोड़ों लोग हैं, उनमें से सोचो कितना, 1% मतलब कितनी सारी जानों की बात है। इसीलिए क्वारंटाइन किया जा रहा है, इसीलिए आपको सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए आपको आपकी जिम्मेदारी समझनी है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसकी बात सुननी है, किसकी नहीं सुननी है। द मोस्ट बिगेस्ट अथॉरिटी हियर इज योर CDC, सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड WHO। जी हाँ, उनकी बात आपको सुननी है। दुनिया में कई लोग उल्टे सीधा बोलेंगे आपको, उनकी बात नहीं सुननी है। एक फैलने वाली कम्युनिकेबल डिजीज को रोकना जरूरी है, पहली और साफ सिंपल सी बात है, इसीलिए क्वारंटीन किया जाता है। क्वारंटाइन के अंदर कोई स्पेशल चीजें नहीं होती हैं, पेशेंट को रोक के रखा जाता है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है, उनको ऑब्वियसली अगर कोई बीमार होता है तो उसको ट्रीट किया जाता है, और जो बीमार होता है उसको उस क्वारंटाइन से भी हटाया जाता है, और उसको फिर आइसोलेशन में या हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, ये क्वारंटाइन में किया जाता है, और फिर वहां पर डॉक्टरों द्वारा उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, जो भी पेशेंट है, जो भी उसकी बीमारी है, आज कोरोना वायरस है, कल कुछ और बीमारी हो सकती है, और ये होगा,
जिस प्रकार की दुनिया में क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, जिस प्रकार के जो भी एपिडेमियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, जिस प्रकार के हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, कोई ना कोई नई बीमारी आएगी। आज ये है, कल कुछ और आएगा। सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड, यू नीड टू अंडरस्टैंड। आज ये टाइम है टू लर्न अबाउट दिस, टू टीच अबाउट दिस। सबको बताने की जरूरत है कि क्वारंटाइन क्या है, कोरोना वायरस क्या है, और उससे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जिनको वो मार सकती है, अपनी खुद की जिम्मेदारी समझने की जरूरत है। राइट, ये पहले भी हो चुका है, आगे भी होगा। याद रखिएगा, कुछ लोगों से, एक इंसान से ये हजारों में फैल सकता है, लिटरली हजारों में फैल सकता है। इसलिए सबको क्वारंटाइन नहीं किया जाता। दो तरीके की चीजें होती हैं, एक तो एक्चुअल, आप खुद, तीन तरीके की चीजें, एक खुद आप क्वारंटाइन हो सकते हो अपने घर में 7 से 14 दिन के लिए। नंबर दो, आपको गवर्नमेंट या हॉस्पिटल्स अथॉरिटी क्वारंटाइन कर सकती हैं। और थर्ड चीज है पब्लिक सर्वेलेंस होती है, कम्युनिटी सर्वेलेंस। जब एक एरिया में एक पेशेंट देख लिया जाता है कि भाई ये एरिया दिल्ली के इस एरिया में एक पेशेंट पाया गया, तो वो पूरा एरिया कम्युनिटी सर्वेलेंस में आ जाता है। फिर उधर के हर एक हॉस्पिटल को, हर एक डॉक्टर को बताया जाता है, बोला जाता है, तुम्हारे पास एक पेशेंट आएगा जो इस प्रकार के सिम्टम का होगा, तुम हमें इन्फॉर्म करोगे, तुम ये हमें इन्फॉर्म करोगे, हम उसका ये टेस्ट करेंगे। पर आपकी जिम्मेदारी है ना डॉक्टर के पास जाना। अगर आप ही डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, कन्फर्म ही नहीं करोगे, तो कैसे होगा? फिर वो डॉक्टर साहब मुझे तो कह रहे हो क्वारंटाइन में बैठ जाओ, पर डॉक्टर के पास जाओ, कन्फर्म करो कि क्या आपके जो सिम्टम्स है सिग्निफिकेंट है या नहीं, क्या आप उस एरिया में रहते हो जहां कम्युनिटी सर्वेलेंस है या नहीं, क्या आपको टेस्ट करने की जरूरत है या नहीं, क्या आपको खुद को क्वारंटाइन में रखने की जरूरत है या नहीं। पूरी दुनिया में इसकी ऐसी नहीं है कि हर दुनिया के हर एक इंसान को घर में बैठ जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। सो रिमेंबर दैट। और 14 दिन बैठ भी जाओगे, उसके बाद क्या गारंटी है कि 15वें दिन जब बाहर आओगे तब एक्सपोजर नहीं होगा। इसीलिए गो टू अ डॉक्टर। जब भी दिक्कत होती है, एक डॉक्टर फिजिशियन पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाइए, चेस्ट फिजिशियन इज द बेस्ट फिजिशियन इन दिस केस, और अपने आप को चेकअप करवाइए। हर एक को जाके टेस्ट नहीं करवाने हैं, कोरोना वायरस के किट ऑलरेडी डेफिशिएंट है, कम है, सब टेस्ट नहीं कराएंगे। जिसको डॉक्टर कहेगा वो टेस्ट कराएगा, जिसको डॉक्टर कहेगा वैसा वो मास्क पहनेगा। राइट, दैट्स हाउ यू नीड टू डू। वी ऑलरेडी एक्सप्लेन, मास्क किसको पहनना चाहिए, टेस्ट किसको कराना चाहिए, न्यूज़ की सुननी नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा सही जानकारी फैलाने की कोशिश, ये आपकी जिम्मेदारी है, वरना आप ही के पास गलत जानकारी आएगी व्हाट्सएप से, यहाँ से, वहाँ से। सो दिस इज अबाउट क्वारंटीन विच यू नीड टू नो। आई होप यू अंडरस्टूड, एंड प्लीज डू शेयर द वीडियो एंड आस्क एनी क्वेश्चन विच यू हैव, सो दैट नेक्स्ट टाइम वी कैन आंसर दैट क्वेश्चन। ओके।